किसान परेशान की। देश में नया कृषि कानून लागू होने के बाद भी किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि किसानों को एमएसपी से कम दाम पर धान को मजबूरन बिचौलियों के हाथों बेचना पड़ रहा है। मामला यूपी के बुलंदशहर की शिकारपुर और पहासू की धान मंडी का है। यहां से हर रोज सैकड़ों मैट्रिक टन धान की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। मंडी से देश भर की राइस मिलों को धान सप्लाई किया जाता है, लेकिन इस बार धान बेचने को मंडी में आने वाले किसान बेहद निराश और हताश हो चुके हैं। किसानों का दावा है कि पिछले साल धान की जिस प्रजाति का प्रति क्विंटल दाम 2800 और 2900 रुपए था, वह धान किस्म नया कृषि कानून लागू होने के बावजूद 1400 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बुलंदशहर की मंडियों में बेचा जा रहा है। मतलब किसानों को प्रति क्विंटल 1300 रुपए या इससे भी अधिक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछली रेट क्या का था? पिछले साल का क्या रेट था? पिछले साल का 18। तो अब के रेट में पिछले साल के में कितना अंतर है? करीब जो है 350 रुपए। क्या लेके आए आज? मक्का लेके आए, धान लेके आए। क्या रेट में किया मक्का? आप लोग मंडी में धान लेके आए? हाँ जी। अब के रेट में और पिछले साल के रेट में क्या अंतर है? बहुत अंतर है जी, और मनमानी अपने आप खरीद रहे हैं, और लागत खेतों में 3000 रुपए बीघे की आ रही है और बैठ कुछ नहीं रहा। इस वक्त हम शिकारपुर मंडी में मौजूद हैं, जहां किसान पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है। जहां सरकार किसानों के लिए सरकारी कांटे लगाने की बात कर रही थी, लेकिन सरकार ने ना तो किसानों के लिए कोई सरकारी कांटों की व्यवस्था की, ना ही कुछ उनको जो उनके धान मक्का और बाजरे हैं उनके लिए उचित ही दाम मिल पा रहे हैं। देखिए, किसान पूरी तरह से यहाँ परेशान है। हम उन कुछ किसानों से बात करते हैं कि किस तरह से किसान परेशान है और किस तरह से अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है और किस तरह से अपनी बात बता रहे हैं। देखिए, आप धान लेके आए हैं? हाँ जी, धान लेके। तो क्या रेट दाम पर धान बिकाया? क्या तो धान उन्होंने खरीदा ही नहीं, हड़ताल कर रखी है। लेकिन धान तो कम से कम 3000 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए, कि जो धान 1300, 1400, 1500, 1600 खरीदा जा रहा है लगात, इसमें कम से कम धान में 3000 रुपये बीघा की आती है कम से कम। नहीं, सरकार ये कह रही है कि जो सरकारी कांटे नहीं, सरकार के तो झूठे वादे हैं। ये ना कोई यहाँ कांटा है, ना कोई यहाँ दो तराजू है, कुछ कुछ नहीं है कतई में। यहाँ तो ये अपना मंडी में जो अपना उल्टा सीधा बेचा जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि जो आप लोग धान लाते हैं तो मंडियों में आप लोगों को पेमेंट करीब 20-25 दिन बाद दिया जाता है। 25 दिन बाद दिया जाता है। तो आप लोग अपनी इस आवाज़ को नहीं उठाते, जो बीच वाले धान खरीद रहे हैं उन लोगों से आप कहते नहीं है कि हमारे माल का हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? हमें तो खूब मिल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है, कोई बात ही नहीं आती है। रात दिन आंदोलन कितना हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उनसे भी बात करते हैं कि वो भी अपनी समस्या रख रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि हम भी बहुत परेशान हैं। हाँ, हम भी बहुत परेशान हैं, और जो है ना हमारा कोई माल खरीदा जाता है और माल खरीद भी देते हैं तो उसका पेमेंट सही रूप से नहीं करते हैं। उसको 20 दिन एक महीना भी बचा देते हैं, और 1500, 1400, 1200 माल खरीदा जा रहा है धान का, और इसमें लागत आती है 3000-2500 रुपये बीघे, कोई हमें लाभ नहीं, और हर तरह से परेशान हैं हम, और ना सरकार कोई व्यवस्था कर रही इसकी, और ना ही जो है किसान करेगी क्या बेचारा, आखिर वो तो मजबूर है। हमने शिकारपुर मंडी में किसानों से जो बात की है, किसान उन्होंने अपना दुखड़ा इस कदर रोया है कि जैसे उन पे बेचार किसानों पर किस तरह से एक आफत टूट रही है। किसान को ना तो उनकी फसल के दाम मिल रहे हैं, ना उनके लिए कोई सुविधा मिल रही है। अगर वो माल भी बेचने आते हैं मंडी में तो 25 दिन बाद उनके ही माल का उनको पेमेंट दिया जाता है, और अगर किसान अपने नगद पेमेंट मांगने की बात करते हैं तो किसानों का कहना ये है कि हमारे ही माल पे जो यहाँ मंडी के आड़ती हैं वो उसी माल के 2% और 3% काट कर पैसे नगद पेमेंट करते हैं। तो लगातार किसानों का शोषण होते हुए साफ दिखाई दे रहा है। सरकार को कहीं ना कहीं किसानों की समस्याओं को सुलझाना चाहिए, और किसानों के लिए कोई ना कोई ऐसी सुविधा करनी चाहिए जिससे कि किसानों की जो फसल है। अब बात हाई